सो गाइस आप देख सकते हैं हमने इसका ठीक कर दिया है काम। सो हमने आज सेविंग मशीन अपनी ओके कर दी है, जिसमें लीकेज की प्रॉब्लम थी वो खत्म कर दिया बिल्कुल ही। सो अगर आपके घर में भी कोई फ्रंट लोडिंग हो या सेमी ऑटोमेटिक हो या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आपके पास प्रोडक्ट हो जो आप घर बैठे बैठाए ठीक करना चाहते हो खुद, सो आप नीचे हमें कमेंट्स में बताइए, हम आपकी हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन करेंगे। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल पुजारी भक्तों किदा। सो गाइस आपका आपके चैनल बहुत ज्यादा स्वागत है। आज का जो ब्लॉग है वो है हमारी सेमी वॉशिंग मशीन पे। आप चेक कर सकते हैं, आज आपको हम वॉशिंग मशीन के बारे में बताएंगे कि आपकी प्रॉब्लम अगर कुछ भी आती है घर के अंदर भी तो आप इस मशीन को घर के अंदर ठीक कर सकते हैं। एक ना आप इधर को लेके ये कैमरा, एक ना हमारे घर में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है कि इससे ना पानी लीक होता रहता है, इससे पानी लीक होता रहता है जिसमें घर की लेडीज परेशान होती है। तो ये मशीन अब आप घर में बैठे बैठाए ठीक कर सकते हैं। चलो आपको मैं बताता हूँ कैसे। चेक करो, आपको ज्यादा कुछ नहीं, घर में कोई भी आपका बेटा हो या आपका पति हो साथ में, हल्की सी हेल्प लेंगे आप, लेडीज वैसे आप खुद कर सकते हो सब कुछ। आपको मैं करके बताता हूँ कैसे, तेजी चेक कर सकते हैं आप। आपको बताता हूँ काम में ही ये है। आपने पीछे से मशीन का ये कवर होता है, दिखाओ पास से दिखाओ थोड़ा कवर, ये कवर के जो ये स्क्रू है ये किसी भी सिंपल पेज कस से खुल जाएंगे, इसमें ज्यादा कुछ मैकेनिकल चाकू से भी खुल जाते हैं कि आपको करंट लगेगा ऐसा लगेगा ऐसा कुछ नहीं है। आपको मैं खोल के दिखाता हूँ, आपने नट खोल लिया सारी, मेहनत चेक करो, बाहर 500 रुपए लेबर ले लेंगे तो फ्री। अगर आपको भी कुछ और प्रॉब्लम है तो आप मुझे वो भी बताइए, हम वो भी ठीक करेंगे। सो आप देख सकते हैं कि हमने सारे स्क्रू खोल लिए हैं और इसको खोलना बहुत इजी है। मेरा ही बनाना जैसे कूलर का होता है ना, आप देखो खोलना बहुत इजी है, देख ऐसे करके ही खुल जाएगा, ये बहुत इजी है। और जो हमारी इसमें मेन जो हमारी से पानी की दिक्कत आती है, जिसमें हमारी इसमें पानी चोकता है, देखिए आप इस साइड, इसमें जो हमारा मेन ये देखो पानी ड्रॉप ड्रॉप कहीं बार निकल सा रहता है, उसकी जो मेन दिक्कत होती है दिखाइए वो इस साइड से होती है, ये इस चीज से, ये आप देख रहे हैं ये पाइप कनेक्ट हो रखी है यहाँ पे, इस चीज में एक रबड़ लगी होती है, रबड़ वेलो वॉल की तरह होती है। आपको मैं दिखाता हूँ खोल के, यहां से पहले आपको ना ये लॉक खोल लेना, बहुत इजी लॉक है, देखो ये लॉक ऐसे करके खुल जाता है, बस ऐसे घुमाओ और ये लॉक खुल गया। एक बार और फिर बताता हूँ, ये लॉक सिंपल सा ऐसा सा होता है यार, देखो आप चेक करो, ये रहा सिंपल लॉक, ये बस इस लॉक को ऐसे आपने खोल लेना है, लॉक को देखो आपने खोल लिया, ये खोलने का आपने इसको इजीली जैसे कि आप ढक्कन खोलते हो कुछ घर में कुछ डब्बा खोलते हो वैसे इसको घोल घोल घुमाना है, देखो बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम, ये आप इसको ऐसे गोल गोल घुमा के खोल सकते हैं और ये देखो ये खुल गया। और ये वो रबर्ट है जिसमें कई बार यहाँ पे मिट्टी फंस जाती है या कभी कभार यहाँ पे कॉइन फंस जाता है हमारी पॉकेट से निकल के, 1 रुपया 2 रुपया, जिसके कारण ये रबड़ के बीच में फंस जाता है और पानी ड्रॉप 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 लीक होता रहता है। तो आप इजिली इसको निकालिए और इसको इजिली वॉश कीजिए, वॉश आप कहीं पे भी कर सकते हैं, चाहे आप ऐसी से यहाँ पे वॉश कर लीजिए, पानी आ नहीं आ गया, बस आपने इसको इजीली वॉश करना है, वॉश कर लीजिए चाहे हल्के गर्म पानी से कर लीजिए चाहे हल्के से वैसे कर लो, बस इसको आपने वॉश कर लिया। और अगर कभी कभार ऐसा होता है कि रेयर इसमें 1 रुपए का सिक्का फंसा होता है या कुछ फंसा होता है वो आपको देखना पड़ेगा खुद, 1 आधा रुपया, क्योंकि उससे ना पानी लीक होता रहता है, बस आपने ये सिंपल ये साफ करना है, इससे ज्यादा कोई नहीं है। आप मैकेनिक को बुलाते हो आपसे 1500-1000 रुपए ले लेगा, 2000 रुपए ले लेगा, नुकसान होगा, तो इजीली बस आपने इसको साफ करना है, साफ करके इसको वैसे ही सेम दबाना अंदर और वैसे ही ढक्कन जैसे कि आपने खोला था सेम रोटेट में, बस ढक्कन लगाते हैं, बोतल का ढक्कन लगाते हैं डब्बे का ढक्कन लगाते हैं, बस वैसे इसको सिंपल आपने घुमाना है और ये फिट हो गया, बंद कर दे और ये फिट हो गया और ये प्रॉपर फिट हो गया, चेक कर सकते हो अच्छे से है। ये देखो आप प्रॉपर, बस ये इतना इजी है, इसे हमने प्रॉपर फिट कर दिया जिससे आप देखिए कि इससे पानी निकलना भी बंद हो गया,
इसमें आपकी पानी निकलने की प्रॉपर बस इसकी प्रॉब्लम होती है। ये है सेमी मशीन, सेमी मशीन वॉशिंग मशीन में सेमी मशीन का ये पंगा है। अगर आपकी घर पे फ्रंट लोडिंग है या ऑटोमेटिक है आप उसका ही बताइए, हम उसका भी सब कुछ ठीक करके दिखाएंगे आपको, आपको किसी चीज की कमी रहेगी। इस बार हमें चैनल पे आपके लिए वॉशिंग मशीन घर की भी अकेले के लिए चीजें ठीक करके दिखाएंगे। चलो हम इसको आपको लॉक भी पूरा प्रॉपर बताते हैं बंद कैसे करना, सेम वैसे ही बंद करना जैसे खोल रहा था। ये ऐसे डालना है इसे, बस ये देखिए डाल दिया ये हमने इजीली घुमाना ये बस नहीं नहीं हाँ ये हमने इसको इजीली यहाँ पे दोबारा डाल दिया है। ये देखो यहाँ पे ये था इसका लॉक, ये इसका लॉक था जो हमने यहाँ से डाल के इसमें डाल दिया, ये दोबारा फिट हो गया। अब यहाँ से आपकी जो पानी की लीकेज की प्रॉब्लम थी वो भी ठीक हो गई है। और मैक्सिमम यहाँ पे तब आती है प्रॉब्लम जब आप कुछ इसमें धागे फंस जाते हैं या कभी कभार कॉइन फंस जाता है, जेब में हमारे कॉइन नहीं होता। और इस सेमी मशीन के बारे में मैंने अभी आपको बताया, अगर आपके घर में ऑटोमेटिक है, फ्रंट लोडिंग है, टॉप लोडिंग है, अगर आपको उसमें भी कोई प्रॉब्लम है आप नीचे कमेंट में बताइए, वो भी आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। तो आप इस चीज के बारे में तो आज ओके कर दिया हमने सेमी मशीन। देखिए पानी की एक बूंद नहीं गिर रही, एक बूंद नहीं गिर रही, पहले कितना गिर रहा था पानी। सो ये आज को आज के लिए मैंने आपको इतना सेमी मशीन बता दिया कि घर में बैठे बैठे सेमी मशीन कैसे ठीक करें। सो हम पीछे कवर लगा देते हैं, ये कवर लगाना बहुत जरूरी है। बताइए हम आपकी हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन करेंगे। सो गाइस आज की वीडियो की हम यहाँ से आपसे विदा लेते हैं। सो प्लीज ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपको इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहे और अपने से ज्ञान पुजारी भाई से आपको सारा मिलता रहे। सो हमारी पुजारी टीम का पूरा थैंक यू। सो आज की वीडियो के लेते हैं आपसे विदा। जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी। सो हेलो भक्तों, यहाँ पे हम कर रहे हैं अपनी वीडियो एडिटिंग। सो आप वीडियो एडिटिंग करके अपलोड करते हैं, आप लोगों को पाते हैं अपलोडिंग पे। सो आप लोग देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी जी।